नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा और आज 26 अक्टूबर है, छठ के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन जो शाम का सूरज होता है, जो ढलता हुआ सूरज होता है, उसे अर्घ दी जाती है। बहुत ही खास दिन है आज, तो चलिए हम भी शुरुआत करेंगे अपनी राशियों के साथ। लेकिन उससे पहले बात करूंगी आज के दिन के राहु काल की। 1:43 PM से लेकर 3 PM तक का जो समय रहेगा, ये राहु काल का समय रहेगा। वर्जित समय है किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए या पूजा पाठ के लिए। तो चलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और हम बढ़ते हैं अपनी राशियों की तरफ। जानते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। कार्ड आप लोगों के लिए निकल रहा है एस ऑफ कप्स। नए काम की शुरुआत हो सकती है और आज के दिन में इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा समय है। प्रॉपर्टी में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। उपाय आपको ये करना है कि आज सुबह उठ करके आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी है और भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प आपको अर्पित करने हैं। जानते हैं आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए कैसा है। कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। आज जो फीमेल्स हैं आपकी लाइफ में, उनसे सलाह मशवरा लेने का दिन है। आज उनसे कोई भी एडवाइस लेकर के चलेंगे, आपका काम बन जाएगा। आपको उपाय ये करना है, आपके घर में या फिर आपको कहीं बाहर अगर 7 साल की कन्या अगर मिलती है तो उसे आप पजेब दान कीजिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ भी उसके मनपसंद चीज़ उसे ज़रूर भेंट करिए। ऐसा करने से आपके अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। जानते हैं जेमिनी के लिए कैसा है दिन। आपके लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ पेंटाकल्स। कहीं ना कहीं पे आप अपने काम को लेकर जितने सीरियस हैं और उस चीज़ के लिए जितने प्रयास कर रहे हैं, आज आपको आप उसी के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इसी के साथ आज जो जीवन साथी हैं वो भी, उनके साथ भी आपके जो मतभेद हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं, सॉर्ट आउट हो सकते हैं। पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके काम में, अपने व्यवसाय में, और ख़ास तौर पे आप अगर यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं आज के दिन में, तो वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगी। उपाय आपको ये करना है कि आज सुबह उठ करके आपको माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है, लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ आपको करना है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। आज बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा। आपके लिए कार्ड निकल रहा है एट ऑफ पेंटाकल्स। किसी को भी अगर कर्जा देना पड़ता है उससे आप बचें, आज आपका पैसा डूब सकता है। या ख़ास तौर पे आज किसी ऐसे इंसान पर भरोसा न करें जिससे कि आपने पहले, जो कि आपके लिए विश्वसनीय न हो। ख़ास तौर पे बात करें अगर आपके रिलेशनशिप्स की, तो आज रिलेशनशिप्स काफ़ी इम्प्रूव रहेंगे और किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत आज हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए उपाय ये रहेगा कि शाम के समय तुलसी में दीपक आप ज़रूर जलाइए। और अब बात करते हैं आज का दिन लियो के लिए कैसा रहेगा। कार्ड आप लोगों के लिए निकलता है द टेम्परेंस। आज के दिन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स तो रहेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा जज करने की ज़रूरत है आपको। लोगों को, आसपास के अपने जो एडवाइस आपको दे रहे हैं उन लोगों को, अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरफेयर ना करने दें। और ख़ास तौर पे नए काम की शुरुआत करते हैं उसकी भी प्री प्लानिंग्स कर चलें। उपाय आप लोगों को ये करना है कि लाल रंग के वस्त्र आज ज़रूर धारण कीजिए, या लाल रंग का कॉम्बिनेशन में ज़रूर पहनिए। ऐसा करने से आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी और आपके काम बन जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। कन्या राशि वालों के लिए कैसा है आज का दिन। कार्ड आप लोगों के लिए निकल रहा है एस ऑफ सॉल्स। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा क्लटर है दिमाग में, या किसी की बात को लेकर के कहीं ना कहीं आपके मन में एक नेगेटिविटी है, उसको ख़त्म कीजिए सबसे पहले, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। दिन की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन शाम का समय काफ़ी नेगेटिव आप सोच रहे हैं, सबसे पहले उसको ख़त्म कीजिए। रिलेटिव्स अनएक्सपेक्टेडली विजिट कर सकते हैं या फिर आप भी बाहर जा सकते हैं। अगर ट्रैवलिंग पर जाने के प्लान्स बनते हैं तो उसे आप डिले ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके काम में भी डिले आ सकता है। उपाय आप लोगों को ये करना है कि आज अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आपको वाटरफॉल से रिलेटेड कुछ भी लगाना है या वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कुछ भी लगाना है। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी तो दूर होगी, साथ ही में आपका फाइनेंसेस में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। जानते हैं आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा है। कार्ड निकलता है आपके लिए द लवर्स। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है। इसी के साथ आपकी जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं पे आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, आज उनसे बचने की ज़रूरत है। घर पर जो दिन रहेगा थोड़ी सी लेजीनेस रहेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। उपाय आपको ये करना है कि गोल्डन कलर का पेन अगर आप इस्तेमाल करते हैं आज, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर आपके व्यवसाय से जुड़े हुए कोई काम है, आपके व्यवसाय से जुड़े हुए कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, गोल्डन कलर से कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो आपके काम में बढ़ोतरी होगी। और अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस के लिए कैसा है आज का दिन। आपके लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ सॉल्स। कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स नज़र आ रही हैं और ख़ास तौर पे आपको फैमिली से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। आपके घर परिवार में ही मतभेद का माहौल रह सकता है।
आज छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हो सकता है मन परेशान रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ेंगे उतना ही आपकी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाएगी। आज पूजा पाठ या मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। उपाय आपको ये करना है कि शाम के समय आप तुलसी में दीपक जलाएं और शालिग्राम जी की आरती ज़रूर करें। और अब जानते हैं आज का दिन सैजिटेरियंस के लिए कैसा है। कार्ड आप लोगों के लिए निकलता है द मजीशियन, यानी कि आज कुछ मैजिकल पावर्स हैं आपके अंदर जिसका इस्तेमाल आपको करना है। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो लोग आगे मेडिकल या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आज के दिन से वो लोग खासतौर पर जो सरस्वती मंत्र है उसकी दीक्षा आज आप ज़रूर लीजिए। ऐसा करने से भी आपके काम में आपको आगे बढ़कर सफलता मिलेगी। उपाय आप लोगों को ये करना है कि स्टूडेंट्स खास तौर पे अपने स्टडी टेबल पे कंसंट्रेशन रॉक लगाइए, या अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, कोई काम करते हैं, आप लोग भी एक कंसंट्रेशन रॉक अपने स्टडी टेबल पे प्लेस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जानते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा है आज का दिन। आपके लिए कार्ड निकलता है द चैरियट। विरोधी आज काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपके थॉट से सहमत नहीं रहेंगे, तो उनसे आप बहस में न पड़ें, उनसे वाद विवाद की स्थिति न बनाएं। उपाय आप लोगों को ये करना है कि आज ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ को आप अवॉइड करेंगे और ख़ासतौर पर नॉन वेज आज अवॉइड करेंगे। और बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। द हेरोफेरेंट कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए, और आपके जो मेंटोर्स हैं उनसे सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप में किया गया काम आज फ़ायदा देगा, यात्रा भी आपके लिए काफ़ी सफल रहेगी। उपाय आपको ये करना है कि आज किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर के आपको केले का प्रसाद चढ़ाना है, केला और चूरमे का प्रसाद अगर आप चढ़ाएंगे, ऐसा करने से भी आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। जानते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। कार्ड निकलता है आपके लिए द टेम्परेंस। आज मन में काफ़ी परेशानी रहेगी अपने व्यवसाय को लेकर के, इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेकर के, लेकिन ध्यान रखिए आज अपनी पर्सनल लाइफ पर भी उतना ही ज़्यादा आपको फोकस करके चलना है। थोड़ा सा जीवन साथी के साथ मतभेद आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको रिजॉल्व आउट कीजिए आज ही के दिन में। उपाय आपको छोटा सा करना है कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको वाइट कलर के फ्लावर्स रखने हैं। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी, आपके रिश्तों में भी मिठास बढ़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।